खबर राजधानी रायपुर से है, जहां कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज का एक बड़ा बयान सामने आ रहा है। बता दें कि कवर्धा जिले में हुई कस्टडी में मौत को लेकर पीसीसी चीफ दीपक बैज मृतक के परिजनों से मुलाकात करेंगे, जिसको लेकर दीपक बैज ने कहा कि कवर्धा जल रहा है, लगातार वहां पर हत्याएं हो रही है और कई फांसी भी लगाई है, तो कहीं किसी के घर जलाए जा रहे हैं और इसीलिए हमें वहां जाने की आवश्यकता पड़ी है। हम वहां जाकर पीड़ित परिवारों से मुलाकात करेंगे। वहीं मुख्यमंत्री जन दर्शन को लेकर दीपक बैज ने कहा कि एसपी कलेक्टर के साथ बैठक करने के बाद भी कोई नतीजा नहीं निकला, मुख्यमंत्री को भी स्वीकार करना पड़ रहा है। एसपी कलेक्टर की बैठक है तो 5-6 दिन सप्ते दिन के अंदर हुई, क्या नतीजा निकला छत्तीसगढ़ में? इधर एसपी और कलेक्टर की बैठकें हो रही है, उधर हत्याएं हो रही है, घर जल रहा है, मुख्यमंत्री जी को स्वीकार करना पड़ रहा है अपराध पे कंट्रोल करिए, नशा पे कंट्रोल करिए, अवैध शराब बिक रही है, यही चीज तो हम लोग शुरू से बोलते आ रहे हैं। आखिर मुख्यमंत्री को मानना पड़ा और कलेक्टर एसपी को उन्होंने निर्देशित किया, लेकिन मुख्यमंत्री का न कोई कलेक्टर सुनने वाला है न कोई एसपी सुनने वाला है। कि सरकार चला कौन रहा है, क्या सरकार दिल्ली से चल रही है या सरकार नागपुर से चल रही है? इस सरकार में बिल्कुल भी नियंत्रण नहीं है, सरकार बेलगाम हो चुकी है, डबल इंजन की सरकार पटरी से उतर चुकी है, इसलिए सरकार पूरी तरह से फेल है और जनता को अपने हाल पे सरकार छत्तीसगढ़ में छोड़ दिया।